कुलदीप जी, देखिए दावे तो आपकी तरफ से भी कहे जा रहे हैं कि सातों की सातों सीटें आप लोग जीत जाएंगे, लेकिन देखिए सिर्फ दो सीटों पर अभी आपकी झाड़ू चल सकती है। अभी भी कमल पांच पर खिलेगा, अभी तक के आंकड़े बता रहे हैं। फिर आ रही ऋतु जी। देखिए प्राची जी, मैं तो पूरी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे आज कह रहा हूँ कि अभी आपने जो दिखाया 39% वोट शेयर बीजेपी को मिल रहा है यहाँ पे, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपके चैनल पे कि सात की सात सीटें क्लीन स्वीप होंगी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर सात की सात सीटें हम जीतने जा रहे हैं अब की बार। और दूसरी बात यह कि देखिए केवल दिल्ली की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। आज पूरा देश जो है वो परेशान है बढ़ती हुई महंगाई से। मैं बार बार आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी की आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अली बाबा के 40 चोर आजा बेटा मेरी ओर, आज हर दल को कह रहे हैं, 38 तो हो चुके हैं, दो की कमी रह गई है। प्रधानमंत्री जी उनके पास भी जा के आज प्रधानमंत्री को नतमस्तक होना पड़ रहा है। ये बड़े शर्म की बात है, जिस एनडीए की बैठक पिछले कई सालों से एनडीए की बैठक ही नहीं हुई, जिस दल के पास एक एक सीट नहीं है, मान्यता नहीं है, उन दलों के पैरों में जाके आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को गिरना पड़ रहा है। समझ लीजिए ये डर है इंडिया का, ये डर है इंडिया का, और ये डर है इस बात का कि प्रधानमंत्री ने पिछले 9 सालों में देश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया, और इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इन्होंने इनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, इनके पास केवल है। चलिए मैं रिपोर्ट कार्ड ले लेता हूं। आप सिंह जी, आप लोग डरे हुए हैं क्योंकि आपके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। जनता के बीच में जाएंगे तो अपने काम किस तरीके से बताइएगा, क्योंकि विपक्ष की नजरों में तो आपने कुछ नहीं किया। दिल्ली में दो सीटों का नुकसान आपको हो सकता है। कहां पे आईआईटी बनाई है, मैं चैलेंज करता हूं प्राची जी, बता दीजिए। प्राची जी, मैं आपके चेहरे पे उसमें चैनल में चैलेंज करता हूं, आरपी सिंह नो आईआईटी का नाम बता दे मुझे, बता दीजिए आरपी सिंह जी, अपने काम गिना दीजिए इनको। आप रुक जाइए सर, एक सेकंड में जवाब ले लूं। आरपी सिंह जी, देखिए हमारे पंजाबी में कहावत है उच्चा सबसे लुच्चा, सॉरी माफी, तो लुच्चा सबसे उच्चा। तो देख रहे हैं किस प्रकार कुलदीप जी आज इतना ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं, और सुनने को तैयार नहीं आपकी भी बात। यार इनसे पूछिए, इनके दो मंत्री जेल, जी जी जो मंत्री इनके जेल में है। सर देखो अच्छी बात, सर मैं एक मिनट पहले 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 सिसोदिया साहब के बारे में बात कर लें, और सतेंद्र जैन के बारे में बात कर लें जरा, और जरा अभी अगली बात में बताता हूँ। दो 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 इनके मंत्री जेल में है दिल्ली के अंदर, आपको लगता है कि दिल्ली के लोग इनको वोट देंगे? अरविंद केजरीवाल जी के, अरे एक मिनट, और बड़ी बात नहीं, अगली डिबेट में हम बैठे हैं तो कुलदीप से, कुलदीप भी अगली बार जेल में हो, कई बड़ी बात नहीं, कोई ये सबका सब भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी ढंग से लिप्त है। अरे सर सुनिए ना, अरे रुको दोस्त, अरे आईआईटी छोड़ो, पहले जिन्होंने शराब के ठेके खोल कर दिल्ली बर्बाद कर दी, जिन्होंने दिल्ली के जनता का पैसा अपने निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल किया, और उनकी चेलमारी शराब जेल के अंदर कराते रहे, फिर उसके बारे में बात करने पहले दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से आपने बड़ा महल बनवाया और 47 करोड़ रुपए आपके दिल्ली की जनता का अपना महल बनाने का खर्च किया, फिर उस बात करने शर्म आने की, आपको ऊपर पानी में डूबना चाहिए, आपको तो चुल्लू पर पानी में डूबना चाहिए, क्योंकि आपने दिल्ली में एक स्कूल, एक नया स्कूल बता दीजिए आप, एक नया कॉलेज बता देना आप मेरे को, दिल्ली के अंदर एक नई यूनिवर्सिटी आपने बनाई हो बता दीजिए, मैं मान लूंगा आपको, दिल्ली के अंदर एक नई सड़क बनाई हो, दिल्ली के अंदर एक नया पुल बनाया आपने, दिल्ली के अंदर एक नया हॉस्पिटल खोला आपने, एक एक करके बात करिए। ऐसे चलिए मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देती हूं। आरपी सिंह जी, वो आपसे आपके काम पूछ रहे, आईआईटी के नाम पूछ रहे, उसके बाद यूनिवर्सिटी के नाम कुलदीप जी आप बता दीजिए। आरपी सिंह जी, वो आपसे पूछ रहा है आईआईटी के नाम बता दीजिए, अपने काम बता दीजिए, और उसके बाद यूनिवर्सिटी के नाम कुलदीप जी बता देंगे। बोलिए, मैंने अभी कहा जो इस बात का जो हम नहीं दे रहे कि इनके दो दो मंत्री जेल में भ्रष्टाचार के चलते हुए, और मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़े बड़े आरोप हैं, 47 करोड़ रुपए का आरोप है घोटाले का, जो उन्होंने अपना बड़ा सारा शीश नर बनाया, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे कभी भी, ऋतु चौधरी जी, जहाँ इस वक्त आपको राजस्थान नजर नहीं आ रहा है, सर रुक जाइए प्लीज, आरपी सिंह जी और कुलदीप जी रुक जाइए, ऋतु जी को बोलने दीजिए, ऋतु जी बोलिए, जवाब लेके जाऊंगा आपके चैनल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।